रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर या नहीं। हाँ तो भाई ये है सिन्हाजी की हवेली का दरवाजा। यहाँ कबूतरों की संख्या देखो कितनी है, जिसको बोलते हैं गोटे। इसवाल जैन तीर्थ स्थल। अपन ने अपना सामान ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारा स्ट्रगल नोट करूंगा मैं आज। देख तू यार ये देखो गाड़ी देखो कहाँ गिरी हुई है। ये एक रेन आ रही है भाई उसी गाड़ी को निकालने के लिए। गाइस अपन पहुंच गए हैं दूल्हा भाऊ जी। एक तरफ तो धूप पड़ रही है उस पहाड़ पे और यहाँ देखो गाइस आज हरियाली अमावस है जिस कारण से यहाँ पे। ओ यार ये पॉइंट बड़ा मस्त है, वो एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है। तो भाई पंकज तो यहाँ बैठा है। अपन पहुंच गए हैं महाराणा प्रताप के शस्त्रागार की तरफ। हम तो ये बोल सकते हैं भाई फिसल जाओगे ध्यान से जाना। तो भाई ये मान्यता है कि इसको उठाने से मनोकामना पूर्ण होती है। ये है भाई कुकड़ेश्वर महादेव। पूरा हो गया क्या कंप्लीट अपना? नहीं नहीं कुछ बाकी है, बहुत बाकी है। तो भाई आज चलिए अपनी 225 है। ये भी आ गया अपना कोच इधर S4। सुबह की ताजगी और गर्मा गर्म वड़ा पाव के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन तभी मौसम ने करवट बदली और रायता हिल्स का नज़ारा कुछ ऐसा था कि मानो हम किसी ग्रीन पैराडाइज में आ गए हो। रायता हिल्स पर जैसे हर जगह पे बादल, नदियाँ, तालाब, सब चीज़ देखने को मिल रही थी। जैसे ही हम रायता हिल्स के टॉप पर पहुँचते हैं तो भाई वहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए और 5 मिनट में वहाँ पर वेदर चेंज हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो और वाटरफॉल्स हमें दिखाई देते हैं, लोग बाग इन्जॉय कर रहे होते हैं और छोटे छोटे और वाटरफॉल्स होते हैं जो हिडन होते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं। इसके बाद अब हाईवे के रास्ते वापस पहुंच जाते हैं नारदेश्वर मंदिर। नारदेश्वर मंदिर से अपन पहुंच जाते हैं शास्त्री सर्किल और यहां पर अपन करते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और इसके बाद अपन निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ। अब देखिए आगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात को यार बारिश में भीगते हुए घर पहुंचे थे और आते ही मैं सबसे पहले चेंज करने लग गया और पूरे भीग चुके थे, जूते तक भीग चुके थे। तो हालत देखो अभी कमरे की, अपनी जींस पड़ी है, तो अपनी ये टॉवल वगैरह यहाँ रख दिए, सॉक्स उधर पड़े हैं, जूते देखो कहाँ रख दिए मैंने, खिड़की के जस्ट बाहर रख दिए क्योंकि ये तो पूरा अंदर तक पानी चला गया था। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 8:21। तो लगता है आज भी बारिश के आसार रहेंगे जहाँ तक है। थोड़ा खोल के दिखाते हैं तो का मौसम देखो यार कितना मौसम हो रहा है, बादल है चारों तरफ, सुबह का समय है। पंकज को मैंने फ़ोन कर दिया है, पंकज रात को यहाँ से 10 बजे के आसपास निकला था, 10:30। ये देखो AC चलाने का तो समय ही नहीं मिला, AC ऑन है वैसे तो, लेकिन इसको चलाने का समय ही नहीं मिला। तो भाई पंकज का फोन आ गया, विदिन 5 मिनट वो यहाँ आ रहा है। तो मैं भाई जूते तो अपने बैग में रख रहा हूँ तो स्लीपर्स डाल के ही जाऊँगा आज मैं, बाकी सामान तो मेरा समेट लिया है मैंने। और इसके बाद चेकआउट करते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं। मेरे होटल का नाम था होटल कुंदन पैलेस। तो गाइज अगर आप लोग अच्छा कोई रूम होटल ढूंढ रहे हैं तो इससे बेटर आपको डील नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ही चीप रेट में आपके यहाँ मिल जाता है सिंगल बेडरूम 500 में और डबल बेडरूम है 1000 रुपीज़। ये क्या है? आर्टिस्ट हाउस। और ये क्या है? क्रोमा। भाई प्रॉपर्टी देखो कितने शानदार लोकेशन पे थी। ये पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के बगल में ये रहा होटल कुंदन पैलेस जिसमें मैं ठहरा हुआ था और मेरा जो रूम था ना वो इसी बोर्ड के बगल में ही है, मतलब बहुत हाइट से दिख रहा था सब कुछ जो कि 4th फ्लोर पे। रेलवे स्टेशन में यहाँ से 1 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर या नहीं? हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमें तो, 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे आराम से। तो भाई लेकर आया अभी जगदीश मिष्ठान भंडार JMB, हमारे हैं BMB, LMB, हाँ JMB। ये सही है भाई और भीड़ तो काफ़ी अच्छी है इधर। तो भाई मालपुए लिए अपन ने मीठे में और भाई बहुत गर्म है अभी भी, कचौरी भी गर्म है। तो सेल्फ सर्विस है, यहाँ देखो कितनी भीड़ है वैसे भी इस जगह पर। तो भाई यहाँ का जो चीला था ना वो तो भाई मस्ट रिकमेंडेड है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, 500 रुपये KG है। बट यार टेस्ट जो है ना उसका बहुत यूनिक है, ऐसा चीला मैंने आज तक नहीं खाया, इतना मिल्की मिल्की सा था वो। तो भाई अपने को लेकर आया अभी सिन्हा जी की हवेली। तो भाई ये है सिन्हा जी की हवेली का दरवाज़ा। आओ भाई आओ, सारे के सारे फ्रेम में ताकि बारिश का असर ना हो, लेकिन फिर भी दिख रहा है असर तो उधर निकल रहा हुआ है। ये देखो मंदिर परिसर में अभी फोटो लेना मना है इसलिए मैं अंदर नहीं लेके जाऊंगा भाई। ये बागौर की हवेली और ये है अपना गणगौर घाट। यहाँ आके तो यार ऐसा लगता है कि अधूरा, मतलब यहाँ नहीं घूमे तो मतलब उदयपुर घूमना अधूरा है। तो यहाँ मेरा हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि मैं उदयपुर आया हूँ तो यहाँ पे एक बार होकर निकला ही हूँ क्योंकि जो ये लेक पिछोला और ये जो सिटी पैलेस की दीवारें हैं। और हाँ यार ये तो पानी ऊपर तक था यहाँ तक। हाँ हाँ लास्ट टाइम बिल्कुल इधर ही आ रहा था इसके बराबर में। अभी देखो पानी का स्तर कितना नीचे गिर गया, जबकि अभी सावन चल रहा है, अभी 5 महीने जब फेब्रवरी का टाइम था उस टाइम तो
यहाँ कबूतरों की संख्या देखो कितनी है, दाना खिला रहे हैं, ये हाथ से खिलाने की कोशिश कर रही है मैडम। वाह यार, कहाँ कहाँ घुमा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भाई जो भी है अल्टीमेट है। वैसे तो पूरा हाईवे यार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, पर मैं पूरा हाईवे का वीडियो नहीं डालने वाला हूँ। जैसे थोड़ा सा आगे अपन आए यहाँ पे किसी हाईवे पे कुछ खाने के लिए। ये क्या कड़ी है क्या? सही है, इसको बोलते हैं गोटे। ये है पालक मेथी का मिक्सर। इस लोकेशन का नाम है इसवाल और यहाँ की ये फेमस डिश है। अभी हम आए हैं इसवाल जैन तीर्थ स्थल। ये है 2400 वर्ष पुराना तीर्थ स्थल, जो जैनियों का बहुत ही पुराना तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आप आके ठहर भी सकते हैं, जहाँ तक मुझे इसके रूम्स दिखाई दे रहे हैं। और ये है मंदिर, बेहद खूबसूरत भाई। ये देखो भाई, अगर जैन होते हैं तो जैन के लिए यहाँ पे 500 रुपीज में रूम दिया जाता है। ये दिख रहा हो आपको, 1000 में एसी रूम और 500 में नॉन एसी। इसके बाद हम निकल जाते हैं गोगुंदा की तरफ। फिलहाल हम आ गए हैं गोगुंदा, जहाँ पे भाई महाराणा प्रताप का रास्ते लग हुआ था। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि ये हम दोडिया जी की तरफ जाने वाले हैं, जिस वजह से हम गोगुंदा आए हैं। अपन ने अपना सामान ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सारा स्ट्रगल नोट करूंगा मैं आज। देख तू कैसे कैसे तालाबों को क्रॉस कर रहे हैं। अब दूसरे की गलती तो देख नहीं सकते, अपन खुद ही गलती करके देखेंगे। ये देखो गाइस मौसम और ये नजारे देखो। वाह, 7 किलोमीटर ये रोड पूरा। भाई साहब ऐसे रिमोट लोकेशन पे रोड बनाना भी यार कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जो एरिया है ना भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ एक बार आओ आप जरूर जीवन में, आप भूल नहीं पाओगे इस नज़ारे को। अभी कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा। हाँ चलते हैं। यार ये देखो गाड़ी, देखो कहाँ गिरी हुई है। भाई साहब बच गए, देखो नीचे कितनी गहरी खाई है। अच्छा पेड़ के आगे झाड़ियों ने बचा लिया भाई इस गाड़ी को। अब ये तो निकलेगी नहीं शायद, जहाँ तक है। कौन आएगी गाड़ी निकालने के लिए इसको? क्रेन आएगी, जेसीबी आएगा, ट्रैक्टर आएगा। अच्छा ट्रैक्टर और जेसीबी। ये देखो भाई कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, नुकसान कहीं हुआ लेकिन मतलब वंजी का। और अभी तो हमें आगे थोड़ा सा और चलना है। यहाँ हमने देखा भाई यहाँ गाड़ी किसी की गिरी हुई है, ये इनकी नहीं है वैसे, किसी की है गाड़ी। देखो यहाँ से स्किट करते हुए ये निशान बन रहे पूरे, और वो देखो वहाँ जाके अटक गई। और किस्मत बड़ी जोरदार है क्योंकि भाई साहब नीचे गहरी खाई है बिल्कुल। देखो कहीं रुकने का है ही नहीं, बस ये झाड़ियों ने जैसे तैसे इस गाड़ी को रोक लिया और इसमें जो भी था वो बच के बाहर निकल गया शीशे फोड़ के। ये देखो भाई साहब, और हम देखो गोगुंदा के ऊपर है। इस लोकेशन का नाम क्या है? अरे लोकेशन का नाम क्या है? दुल्हिया बाऊजी। दुल्हिया बाऊजी, ये लो दुल्हिया बाऊजी की हाइट पे खड़े हैं हम अभी, थोड़ा सा और ऊपर है क्या बस। ये देखो पहुंच गए ऑलमोस्ट ऊपर, फोर व्हीलर लाने वाले भी यार गजब है। गाइस अपन पहुंच गए हैं दुल्हिया बाऊजी, यहाँ पे लोग बहुत खाना वाना बना रहे हैं बढ़िया। और ये देखो कितनी हाइट पे है भाई साहब, कितनी हाइट पे। और अभी धूप निकल गई यार थोड़ा सा, ये है वरना अगर सुबह आते हैं तो यहाँ बादल बिल्कुल मतलब फोगी फोग रहता बादलों की वजह से, कुछ दिखाई नहीं देता। खैर अभी अच्छी बात भी है कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ दूर तक का नज़ारा, और भाई इससे आगे नहीं जाना क्योंकि भाई साहब सीधी खाई है। देखो ये देखो हम कितना हाइट पे हैं। यहाँ चप्पल खोल दी और अब नीचे जाते हैं दुल्हिया बाऊजी। ये है मंदिर है ना दुल्हिया बाऊजी का मंदिर। दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक पर्सनल व्हीकल की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता है। और ये लोकेशन मेन उदयपुर सिटी से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये भाई जो मंदिर बन रहा है इसके साइड में से आपको पैदल जाने का भी रास्ता मिल जाता है, जो जंगल सा लग रहा है बिल्कुल। यार ये देखो क्या इलिटरेट पीपल है, यहाँ देखो आते हैं और कचरा फैला के चले जाते हैं। सही बात है क्या? हाँ। नहीं है, अबे गलत बोलो। हाँ गलत बात है, गलत बात है। देखो नहीं, देख लिया हम। ये देखो भाई कितना गंदा एनवायरनमेंट कर रखा है यार, बहुत गंदा कर रखा है यार। लोगों को यार ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। तो पंकज भाई कह रहे हैं कि यार सुबह सुबह आना चाहिए था, जब यहाँ कुछ नहीं दिखता है तो कुछ नहीं दिखेगा तो फिर मजा कैसे आएगा यार। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, स्मोक की वजह से दिखेगा नहीं ना फिर यार कुछ भी। जहाँ से हम आए हैं और आसपास देखो कितनी भीड़ है,
गांव के लोग आदिवासी लोग कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। बरखा 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 नहीं बरखा 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 ठीक है बरखा आ गई। तो इससे पहले अपन निकल तो गए थे, 100 मीटर भी नहीं पहुंचे थे, हार्डली बारिश आ गई तेज, तो यहाँ रिटर्न आ गए अपन। यहाँ पे मालवे का प्रसाद दिया जा रहा है, जो भी आ रहा उसको दे रहे हैं, किसी को कोई मना ही नहीं है भाई। देखो आज भीड़ यार, कब तक उस शेल्टर के नीचे खड़े रहेंगे, थोड़ा बारिश का मजा ही ले लें। अगर भीगना होगा तो भीग जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन अपन ऐसे स्पेंड तो कर नहीं सकते हैं। अरे छतरी मांग लो, टेंशन मत, छतरी यहाँ पे रहने दे तू, छतरी अभी। तो देखो भाई फोग हो गया, फोग नहीं है बारिश है एक्चुअली। अरे फोग है, अरे वो देखना उधर भी फोग है, कुदरत का करिश्मा। एक तरफ तो धूप पड़ रही है उस पहाड़ पे, और यहाँ देखो यहाँ फोग है, यहाँ भी फोग है, फोग है यहाँ पे भी। और अभी मेरे पीछे जो आपको सुनाई दे रहा है, ये हरियाली अमावस के कारण यहाँ के जो गांव के लोग हैं यहाँ पे आके पूजा पाठ कर रहे हैं। ये देखो भाई साहब, और यहाँ पे है वो देवता। गाइस आज हरियाली अमावस है, जिस कारण से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, वरना ये बहुत आइसोलेटेड सा प्लेस है। और उदयपुर से कितना किलोमीटर हो गए? उदयपुर से पड़ता है 40 किलोमीटर। उदयपुर से 40 किलोमीटर पड़ता है ये, तो अभी हम 40 किलोमीटर दूर है उदयपुर मेन सिटी से, जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था। और देखो पूरा जंगल एरिया है, प्यारा रास्ता है। और मैंने ऊपर देखा यार, काफी सारे लोग जो हैं मतलब फोर व्हीलर लेकर भी आए हैं, लेकिन वो दुकान लगा रहे हैं इसमें आके। और यार ये पॉइंट बड़ा मस्त है, और भाई नजारा अल्टीमेट है वहाँ, वो वहाँ पे। वो देखो चल चल चल, ये देखो हम थोड़ा सा नीचे उतर के आए हैं, ये देखो नजारा, इसे कहते हैं असली सुंदरता। क्या गजब है यार, वो एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है ना। बाकी तो यार कुछ भी कहो, नेचर से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। वो दिख रहा है आपको, वहाँ अलग ही बारिश पड़ रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। कैमरे में आ रहा है, हाँ दिख रहा है कैमरे में भी। तो भाई पंकज तो यहाँ बैठा है, मैं बारिश के चक्कर में इसके नीचे आ गया हूँ, और ये कह रहा है कि सांप वाप लटके रहते हैं। अभी इस मकड़ी ने क्या शिकार किया हुआ इसका, इसलिए छोड़ नहीं रही, इससे बच के रहना पड़ेगा भाई साहब। तो भाई अभी देखो बारिश कितनी जोरदार हो गई है, वापस से भीगना स्टार्ट हो चुके हैं हम, और हमने सोच ही लिया कि आप भीगना है तो भीग लो अच्छे से, क्यों किसी का शेल्टर लेना सोचा। लो भाई यहाँ पे अपना 15 मिनट स्पेंड करने के बावजूद यार भीग गए हैं पूरा, दिखाऊं? ये देखो ये लोग पीछे से चल के आ रहे भाई, अरे चल चल के पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं यार ये लोगों, देखो ओह माय गॉड, ये देखो क्या नजारा है भाई। ये एक रेनारी है भाई, उसी गाड़ी को निकालने के लिए जो नीचे गिरी हुई है, ऊपर आपने देखा होगा जा रही है। ये ले भाई, भाई साहब अपन जो जितना भी लेके गए थे उतना ही वापस लेकर आ रहे हैं, आई मीन रैपर वगैरह, ये खाली बॉटल्स है अपनी। आज भी यार बारिश ने अपना पीछा तो नहीं छोड़ा, पूरा भीग चुके हैं। तो भाई पूरा का पूरा गीला हो चुके हैं, लेकिन ज्यादा गीला ना हो इसलिए थोड़ा सा शेल्टर के नीचे आ गए, थोड़ा 15-20 मिनट इंतजार कर लेते हैं। शेल्टर के नीचे, छत के नीचे यार, जो भी आसरा होता है उसको शेल्टर ही बोलते हैं। देखो पीछे मौसम क्या गजब का हो रहा है भाई, यहाँ पे केंचुए बहुत सारे हैं, देखो टांग के नीचे चल। आधा घंटा यहाँ स्पेंड करने के बावजूद ये बारिश बंद नहीं हुई, हल्की हल्की होगी, बट अब अपन चल सकते हैं आराम से, अपना सामान वगैरह उठाते हैं। ऐसी कुछ कंडीशन है अपनी, थोड़ा बहुत सूख गए हैं। तो अभी अपन आए हैं होटल आश्रम, ये है होटल आश्रम, तो यहाँ पे अपन ऑर्डर करते हैं अपना लंच। यार अभी अपन मतलब 50% तो भीगे हुए हैं, क्योंकि आगे जो बारिश पड़ रही थी उस वजह से 50% तो अपन भीग चुके हैं। ये है टोल प्लाजा, और इसके जस्ट बगल में ये आश्रम। तो यहाँ से अपन ने अभी शाही पनीर ले लिया है, और तवा बटर रोटी ले ली है। हेलो गाइस, अपना आ गया है शाही पनीर और तवा बटर रोटी, पंकज भाई सर्व कर रहे हैं खाना। तो गाइस यहाँ का जो खाना था वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था भाई, खाना नो डाउट बहुत टेस्टी था। इसके बाद अपन ने लिया लस्सी, ये ज़ीरा लस्सी है जो नमकीन होती है, और बाहर बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो अब चलने में मज़ा आएगा।
भाई अब आ गया है फ्यूल दोबारा रिफिलिंग कराने का टाइम। उदयपुर के हाईवेज भी जो थे वो पूरे ग्रीनरी से लबालब भरे पड़े थे और यहाँ पे चलने का मजा जो है था वो नेक्स्ट लेवल था भाई। तो गाइज नेचर के बीच में अपन पहुंच गए हैं महाराणा प्रताप के शस्त्रागार की तरफ, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, मायरा की गुफा भी कहते हैं भाई। जो लोकेशन थी ना यार, क्योंकि गाड़ी मैं चला रहा था इसलिए रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका भाई साहब, लेकिन जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है ना वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा भाई। बता रहा कि 9 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। 9 साल पहले? हाँ, 9-10 साल पहले। हाँ वो तो दिख ही रहा यार नया कुछ। वाह यार अंधेरा बहुत है। ये महाराणा प्रताप की फोटो लगी हुई है और राणा पूंजा जी। थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा भाई, ये देखो गुफा के अंदर कैसे रहते होंगे उस टाइम पे। अभी तो फिर भी रोशनी है, ये देखो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लगने के आसार है। मुकुंदरा गुफा देखी थी ना आपने, वैसे ही कुछ है ये। ये देखो फिसल रहा पाँव। अपन तो ये बोल सकते हैं भाई फिसल जाओगे, ध्यान से जाना, क्योंकि पूरा जो दिख रहा आपको काई है, काई में भाई कोई ग्रिप नहीं बनती है, फिसल जाते हैं आदमी। ये भी नरम नरम है भाई। ये देखो ये केव्स ही है एक तरीके की, और यहाँ पे अगर ढंग से देखेंगे तो मुझे लग रहा है आदिवासियों के भी निशान मिल ही जाएंगे यहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही मेरे को फील हो रहा है। और ऐसा तो है नहीं ये अभी 400-500 साल पुरानी है, क्योंकि ये पहाड़ी बहुत पुराने हैं। ये केव्स नेचुरली बनी हुई है सारी की सारी, और बारिश आती होगी तो यहाँ आराम से कोई भी शेल्टर ले सकता है। ये देखो भाई कितनी सारी गुफाएं हैं यहाँ। ओ भाई ये तो बहुत गहरी है यार, ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा गहरी है। अरे बाप रे, यहाँ तो संभालना पड़ेगा वरना गिरा तो मैं नीचे जाऊँगा सीधा। ओ देखो भाई, और इसका तो एंड ही नज़र नहीं आ रहा मेरे को, और भी अंदर जाती जा रही है। ये देखो यार और भी अंदर है, अब अंदर ज़्यादा जाना नहीं चाहिए वरना दिक्कत में आ जाएंगे अपन। यार ये देखो महाराणा प्रताप ने यहाँ पे अपने शस्त्र छुपाए थे, मतलब यहाँ रखते थे अपने, छुपाए गए थे। देखो इतना खूबसूरत जगह पे बनाया हुआ, ऐसा लग नहीं रहा मतलब अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होता ना तो पहचान में भी नहीं आएगा कि यहाँ पे गुफा भी है। और भाई गुफा भी बहुत शानदार वाली है जो आपने देखी होगी अभी, और उसमें अभी सावन के टाइम पे झरने चल रहे हैं। भाई ये पत्थर उठा रहा है यार, गजब। ये है श्री बड़वासना माता जी का मंदिर, बड़वासन माता जी के मंदिर। भाई साहब पत्थर उठा रहे हैं, भाई साहब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये मान्यता है कि इसको उठाने से मनोकामना पूर्ण होती है, तो भाई साहब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे दोस्तों ये पत्थर बहुत ज़्यादा भारी है, और अगर इसे कोई उठा भी लेता है तो उसके पाँव या हाथ पर लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा ही भाई साहब ने खुद बताया हमें। तो इतनी दूर आए हैं तो ये मंदिर के दर्शन भी अंदर से करके चलते हैं, श्री बड़वासन माता जी का मंदिर। तो झुक के जाना पड़ेगा भाई, यहाँ की परंपरा है ये। सामने है हनुमान जी, बड़वासन माता जी का मंदिर। और इतना शोर कैसे आ रहा है यहाँ पे, लगता कोई किचन विचन है इधर, किसी ने प्रसादी रखी हुई है। हाँ भाई प्रसादी चल रही है यहाँ, तो देखो वो चल रहा खाना वाना। तो यहाँ चल रही है भाई रसोई, जो मुझे आवाज़ आ ही रही थी, तो ये रसोई चल रही है यहाँ पे, तो लोग वह खाना खा रहे हैं आके। मैं लगाने आया था परिक्रमा, लेकिन वहाँ से आवाज़ आ रही थी तो मैं उधर चला गया, तो देखा तो भाई बहुत बड़ी रसोई बना रखी है, लोग बाग आके प्रसादी कर रहे हैं जैसे सवामणि करते हैं, जस्ट लाइक दैट वैसा कुछ चल रहा था यहाँ पे। तो मंदिर के सामने जो पत्थर रखा हुआ, लोग बाग अभी भी ट्राई करे जा रहे हैं इसको उठाने के लिए, ये देखते हैं अभी उठा पाता है कि नहीं भाई। ये देखो तो भाई एक लोकेशन पे है, ये भी पूरा ऐसा ही है जो माउंटेन से और नेचर से घिरी हुई है। भाई क्या नाम है इस जगह का? कुंडेश्वर महादेव। कुंडेश्वर, तो भाई ये है कुंडेश्वर महादेव, बहुत ही बड़ा भाई, बहुत ही बड़ा है, 100-150 मीटर में फैला हुआ केला पेड़ ये। इधर से चलो भाई, इधर से चलते दर्शन करके आते हैं। क्या यार चिकनापन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो भाई बता रहा है इधर अस्थियां भी विसर्जित की जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक नदी है, ये देखो ये अस्थि विसर्जन भी होता है इधर। ये सही है, सुंदर यार, बेहद सुंदर, बहुत सुंदर भाई। ये देखो बिल्कुल सीधा नीचे उतरते, कोई सीढ़ियाँ नहीं है, सीधा 3-4 फीट है गहरा, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है भाई यहाँ पे। यहाँ पे बने हुए शिवलिंग, और ये देखो एक नेचुरल ऐसी नदी बनी हुई है, कहाँ से आ रही है कहाँ को जा रही है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत है घने। बस इस एरिया में बहुत साफ क्रिस्टल क्लियर पानी दिख रहा है। केकड़ा देख गया यार, ये देखो केकड़ा, ये रात वगैरह जो होती
यहाँ से कहाँ चलेंगे? चल चलेंगे क्या? आजा आजा भाई, यहाँ से आके बता रहे झरना है और भाई कीचड़ है। एक दो बार ये लो, ये तो यहीं से फिसल रहा है, बाद में जाके तो फैल ही जाएगा रायते की तरह। तो रहने दे फिर। चल आजा आजा, ज्यादा ही कीचड़ हो रहा है यार। तू चला जा, तेरे चप्पल सही है, मेरे चप्पल खराब है। नहीं नहीं हो जाएगा, तेरा सही है भाई। मेरे ज्यादा स्लिप हो रहा है, तू आगे चल। मेरे ही फिसल रहे पांव, तो आगे चल। ओ भाई, इसके पहले तू निकल 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 आगे। हां जा रहा हूं देर में, आगे निकल। जैसे तैसे यहां पहुंच गए, अब आ रहे हैं, अब देखते कैसे पहुंचते हैं। ये झरना देखो, इसको देखने के लिए आए सभी लोग। आजा आजा पहुंच गए, जहाँ पे अस्थियाँ विसर्जित करते हैं उसी पानी को यहाँ पे बहकर आकर ये बनता और फिर नीचे जा रहा है यहाँ से। ये देखो भाई, पब्लिक नहा रही है। ये देखो गिरने के लिए कहाँ कहाँ चढ़ रहे हैं। ओहो, नहाने के लिए आ रहे हैं सब लोग यार। ये पेड़ यार कैसे टिका हुआ, ये बहुत अजीब बात है। टूट के गिरा हुआ और वहां पे अटका हुआ और ग्रीन है अभी भी कहाँ पे। तो आज और कल का जो भी मैंने उदयपुर देखा है, बहुत ही ज्यादा यूनिक उदयपुर देखा है। और ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर पंकज भाई, जिन्होंने ऐसी ऐसी लोकेशंस पे मेरे को घुमाया जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जगह एग्जिस्ट भी करती है। मैं कैमरे में बोले जा रहा हूँ और वो देखो पीछे पांव धो रहा है उधर, जबकि पता नहीं है कि आगे जाके और गंदगी हो जाएगी। यहाँ पे आना भी एक चैलेंज के जैसा था, क्योंकि भाई पूरा रास्ता जो है कीचड़ से सना हुआ है और अंदर आपने देखा वहाँ पे भी भाई बहुत ज़्यादा कीचड़ था। लेकिन इसमें मज़ा भी है यार, सब कुछ ईजिली मिल जाए ना तो मज़ा नहीं है, थोड़ा सा उसको टफ सा होना चाहिए वो ट्रेन। तो वही कुछ अपन ने अभी देखा, फील किया। बाकी ये जो पहली जगह थी जहाँ पे मैं इतना चला हूँ, अदरवाइज बाइक हमारे सीधा वहाँ पहुँच जाती थी जिस भी लोकेशन पे अपने को रुकना था। लेकिन इस जगह पे अपन ने मतलब आधे एक किलोमीटर तो घूम लिया अंदर, और देखा आपने कितना खूबसूरत झरना बहता है इधर। आज तो मानो स्पेशली हम महादेव जी के लिए ही निकले थे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमने जितनी भी लोकेशन को एक्सप्लोर किया वो सब महादेव से रिलेटेड ही थी। तो गाइस अभी अपन पहुँच गए हैं कुकड़ेश्वर महादेव। तो भाई ये आ गए अपन कुकड़ेश्वर के पास, और भी ज़्यादा तो मंदिर की घंटी आपको सुनाई दे रही उस रास्ते से। ये देखो पानी आ रहा है और पानी जा भी रहा है। नाइस यार, ये सही पॉइंट बना रखा है इधर। ये लोग गाइस पहुंच गए अपन कुकड़ेश्वर महादेव। यहाँ पे भी देखो भाई, ये है भाई कुकड़ेश्वर महादेव। पानी तो बहुत दूर से आ रहा है, उसकी कितना सूदिंग सा साउंड आ रहा है वो देखो, पानी गिरने की जो कलकल आवाज है। और यहाँ किसी की शोर शराबा नहीं, इंसानी बस पक्षियों की चहचहाट है और पानी की कलकल है। तो गाइस आए थे अपन इधर से और अब यहाँ से जा रहे हैं नीचे से नदी के बराबर से, जो नदी बनी हुई है इसके बराबर से निकल रहे हैं जंगल से होते हुए। देखो कितना खूबसूरत है, ये देखो भाई कितना घना है, एडवेंचरस है बिल्कुल ही। पानी की आवाज भाई साहब, ध्यान से जाना पड़ेगा। भाई ये जगह देखिए आप, कितना साफ पानी है देखो, तकरीबन 3-4 फीट गहरा है। और ये देखो यहाँ पे भी, और छोटे छोटे बने हुए हैं तो हैं। ये देखो एक और जगह, और यहाँ तो यार मछलियाँ दिख रही है, वो देखो मछलियाँ। वाह, लो भाई इस खूबसूरत सी नदी को क्रॉस करते ही अपन पहुंच जाएंगे उसी पॉइंट पे जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था कुकड़ेश्वर महादेव जी का सफ़र। बाइक अपन ने यहीं लगाई थी। मैं अभी मालपुए लेने के लिए आया था शास्त्री स्वीट्स पे, और हाँ थोड़ी सी अभी नाइट हो गई क्योंकि गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, इस चक्कर में मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सका। यहाँ पे मैंने अभी टेस्ट करके देखा, और सुबह जो मैंने टेस्ट किया था ना भाई JMB का, वो जगदीश मिष्ठान भंडार का भाई अल्टीमेट था। वो क्रीमी सा था, इसका भी अच्छा है, बट मतलब कंपैरिजन करें तो 19-20 का फ़र्क है, लेकिन मैं 20 को ही प्रीफर करूँगा जो कि JMB का है। चलें भाई। भाई ये जो है JMB के मालपुए जो मेरे को पसंद आए, और अभी भाई ने शास्त्री वाले के कराए थे तो उसका थोड़ा मेरे को लाइट लगा, बट इसमें बिल्कुल जो घी
और दूध वाला जो टेस्ट आ रहा है वो अल्टीमेट ही आ रहा है। करवाया एक किलो यहाँ से, देखो मालपुआ की मेकिंग भैया अपना हो गया डेढ़ किलो मालपुआ, आधा किलो भाई ने अपने लिए भी करवा लिया। गाइस अपन अपने होटल रूम पहुंच चुके हैं 8:17, यहाँ से अपन ने सुबह चेकआउट तो कर दिया था लेकिन अपना बैग जो है यहीं पे सबमिट करा दिया था और ये अपन मालपुआ लेके जा रहे हैं अपने घर के लिए। चलो अपना बैग उठाते हैं यहाँ से। पूरा हो गया क्या कम्प्लीट अपना? नहीं नहीं क्या कुछ बाकी है? बहुत बाकी है, बहुत बाकी है, तो हमेशा नई चीज भी घुमाता हूं। तो भाई 8:30 बज चुके हैं और अभी ये बोल रहा है, पिछली बार बोला था उदयपुर बाकी है, आज का जो घुमाया उदयपुर तुमने देखा था? अरे वाह शानदार, अब जो घुमाऊंगा देखेगा वो भी नहीं देखा तुमने। अच्छा ऐसा है क्या? बहुत बाकी। तो गाइस अपन पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे और अभी यहाँ से अपनी गाड़ी है 10:10 पे। कौन सी गाड़ी है? खुजराव एक्सप्रेस 19666। तो उसका मैं ज़्यादा बड़ा व्लॉग तो नहीं बनाने वाला हूँ लेकिन मेरी जो सीट आई है वो आई है 63, जो कि आते टाइम भी 63 थी और जाते टाइम भी 63 है, लेकिन इस टाइम ये पंगा है कि अब मेरी जो टिकट है वो है RAC, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके जाना पड़ेगा और मैं तो कर ही लूँगा एडजस्ट। सामने कौन आता है? सामने कौन आता है ये कह रहा कि भाई कोई कौन आएगा? फीमेल आएगी। तो भाई यार चलिए अपनी 252 नहीं 225 है, अच्छा 252, और ये वाली 252 आज का ट्रिप है अपना। 250 किलोमीटर से ज़्यादा अपन घूम चुके हैं आज पूरा उदयपुर, और ये भाई बोल रहा अभी भी उदयपुर बाकी है, तो नेक्स्ट टाइम आके देखेंगे बाकी का उदयपुर। और तकरीबन मेरे 6ठा या 7वां ट्रिप होगा उदयपुर का, लेकिन अभी भी यार इतना घूमने के बाद भी मेरे को ये सुनने को मिला कि भाई उदयपुर बाकी है। इतना बड़ा तो जोधपुर या जयपुर भी नहीं है जितना बड़ा उदयपुर इसने मेरे को आज घुमा दिया। 250 किलोमीटर अगर मैं उदयपुर घूम रहा हूँ तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई किस जगह पे घूम रहा हूँ मैं। और आपने जो लोकेशंस देखी है वो आपने पहले तो कभी देखी नहीं होगी उदयपुर में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में भी दिखेगा। तो भाई नेक्स्ट व्लॉग की हमारी हाँ तैयारी हो चुकी है, नेक्स्ट सीरीज हमारी कहाँ की होगी? तो वो गुजरात की साइड की होगी, गुजरात की साइड की होगी। सरप्राइज है, तो सरप्राइज है कहाँ की होगी लेकिन गुजरात की साइड की होगी क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल अभी बारिश में डूबा हुआ है बिल्कुल ही। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा होपफुली। भाई मेरे को अभी अपने दोनों फ़ोन चार्ज करने क्योंकि पूरा दिन जो है मैंने इसकी जो बैटरी है वो चूस ही लिया बिल्कुल ही। काफ़ी ऐसी जगह पे गए हैं हम जहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं था। अभी वेटिंग रूम में जाते हैं थोड़ा फ़ोन वोन को चार्ज करते हैं आधा घंटा क्योंकि अपने पास 1.5 घंटे का समय अभी खड़ा होगा। 1.5 घंटे बाद अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ जाएगी 19666। और अभी तो मैं आगे खड़ा हूँ और सामने मेरी गाड़ी भी आ गई है उदयपुर खुजराव एक्सप्रेस। चलो अभी तो इसको निकलने में 1.5 घंटा है यानी कि 1 घंटे तक यहाँ पे 1.5 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। 9:30 बजे भाई अपने दोनों फ़ोन पूरी तरीके से चार्ज हो गए हैं आराम से 1 घंटे के भीतर, और अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ और गाड़ी के गेट वगैरह जो है खुल चुके हैं तो आराम से उसमें बैठते हैं। ऐसे तो RAC आई है बट अपना एडजस्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं। ये आ गया भाई अपना कोच। और मज़े की बात इस ट्रिप की ये रही कि आते टाइम भी मेरा जो सिटिंग था वो 63 था और जाते टाइम भी 63 है। अब यहाँ पे यार एक छोटे से नंबर की वजह से पोपट हो जाता है। मेरा कोच एक्चुअली था S4 बट S1 मुझे याद रह गया क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था S1 में आया था और यहाँ पे जो बंदा बैठा था S1 के अंदर 63 पर, इस भाई को मैंने बोला कि भाई ये मेरी सीट है, तो ये भाई बोलता है कि ये RPF वालों के लिए रिज़र्व होती है, ये आपकी नहीं हो सकती। फिर मैंने अपनी टिकट जब देखा ना तब मुझे पता चला कि भाई S4 के अंदर अपना 63 है। अब मैं आ गया हूँ X63 पर। ये पुराने वाले LHB है और नए वाले LHB कोचेस थे। चलो 63 आगे है, सॉरी। फिलहाल तो भाई अपने 63 पर कोई नहीं आया और पंकज ने भविष्यवाणी की है कि भाई लड़की आएगी आपके पास। वैसा मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि लड़की आए, लड़का भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो चाहता हूँ कोई ना आए यार। और भाई सच में यहाँ पे कोई नहीं आता है। खैर 103 वेटिंग थी, अभी से 5 घंटे पहले ही मैंने, मतलब 10 घंटे पहले मैंने इस टिकट को बुक किया था 103 वेटिंग के साथ, फिर भी मेरा RAC क्लियर हो गया। NWR की सबसे खास बात लगती है मुझे। वैसे अभी टाइम हो रहा है 9:50, जब आया था तब भी बारिश आ रही थी और जब जा रहा हूँ तब भी बारिश आ रही है। बाकी रास्ते में कहीं ज़्यादा कुछ खास बारिश नहीं आ रही थी, उदयपुर की सीमा में आने के बाद ही मुझे बारिश का एहसास हुआ था। फिलहाल कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस किसी अगले वीडियो में, टिल देन प्लीज। जो भी मेरा दोस्त इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा तो वो यही सोच रहा होगा कि आगे यार क्या होता है। आगे ये होता है कि हमारी गाड़ी बिल्कुल टाइम से निकलती है और मज़े की बात हमारी जो RAC सीट थी उस पर हमारा जो को पैसेंजर था वो नहीं आता है, लेकिन दिमाग में पूरे सफ़र में यही रहता है कि भाई कब आएगा कब आएगा, क्योंकि यार कच्ची पक्की नींद रहती है उस केस में। उसके बाद अपन आगे जैसे बढ़ते हैं तो रात को बारिश भी आती है काफ़ी जगह पर और अगले दिन हम 20 मिनट के डिले के साथ जयपुर पहुँच जाते हैं। जैसे जयपुर पहुँचा हूँ तो बारिश स्टार्ट हो गई वापस से और थोड़ा सा गाड़ी डिले हो गई।